हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरी बूट की वेज बिरयानी। तो देखिए, ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, वेज बिरयानी है ये, आप लोगों को होपफुली पसंद आएगी ये बिरयानी। तो देखिए, वेलकम बैक टू माय चैनल अयाना किचन एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, मज़े में हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नॉर्मल राइस लिया है, देखिए 3 कप्स मैंने राइस लिया है। उसे धोकर अच्छे से हम नॉर्मल जैसे खाना पकाते हैं ना, उस तरह से पका लेंगे। उसके साइड में देखिए, यहाँ पर मैंने खाना चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए आलू अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू 3 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, उसको अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है। पीसेस में कट करके यहाँ पर मैंने देखिए उसे रेड पैचेस आए तक फ्राई कर लिया है। आलू पर जैसे ही रेड पैचेस आ जाएंगे, हम आलू को निकाल लेंगे थोड़े थोड़े कर। तो देखिए, जो भी मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, वो मैं मेरे मम्मी के जो सालों से पकते हुए आए हैं रेसिपीज़, वो शेयर करती हूँ। और थोड़े कुछ नए रेसिपीज़ जो वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं कैरेट को और जो भी वेजीज़ है, आपके मनपसंद वेजीज़ डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर हरी बूट का खाना बना रहे हैं, तो आप इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वेजीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैरेट डाला है, बीन्स डाला है, और हरी बूट के जो दाने आते हैं वो डाला है मैंने। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कैरेट को अच्छे से कलर चेंज हुए तक फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बीन्स फ्राई कर लूँगी, जो बीन्स की फली होती है वो फ्राई कर लिया है मैंने, उसका भी कलर चेंज हुए तक फ्राई कर लूँगी मैं उसे भी। तो देखिए, उसके बाद जैसे ही ये बीन्स की फली फ्राई होगी, मैं यहाँ पर हरी बूट के दाने जो रहते हैं, मैं यहाँ पर हरी बूट के दाने थोड़े थोड़े कर फ्राई कर लूँगी। देखिए, एक बात याद रखिए कि हरी बूट के दाने डालते वक्त वो उछलते बहुत हैं, तो प्लीज़ अगर हरी बूट के दाने आप डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से एक लिड ढाक दीजिए, थोड़े उसके दाने एकदम फटके हुए ऊपर आ सकते हैं, तो बी केयरफुल एट द टाइम। तो देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ अनियन लिया है, वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम अनियन, गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राई कर लेंगे हम अनियन। तो फ्रेंड्स, अनियन साइड में फ्राई ही हो रहा है, मैं यहाँ पर साइड में देखिए वेजीज़ को मिक्स कर लूँगी। जो जो मैंने वेजीज़ को फ्राई करके रखा है, वो उसे मैं उसमें मैं स्पाइसेस डाल के मिक्स कर लूँगी। जैसे कि हम नमक मिर्ची इसमें डालेंगे और हल्दी, अदरक लहसुन मत डालिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 200 ग्राम कर्ड ऐड किया है इसमें, और साइड ही में हमारी यहाँ हम प्याज भी फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर साइड में मैंने इसमें हरा मसाला डाल दिया है, जैसे कि कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीना, ये दोनों, ये तीनों चीज़ें भी मैंने ऐड कर दी हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पर गरम मसाला, ज़ीरा और इलायची, ये तीनों भी ऐड कर दीजिए यहाँ पर, पूरे वेजिस के साथ ये सारे मसाले मिक्स कर दीजिए स्पाइसेस के साथ। आप यहाँ पर मिक्स करके देखिए, थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर मिस हो गया है मेरे से। आप कढ़ाई लीजिए, ऑयल डालिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन डालिए उसमें। अदरक लहसुन जैसे ही अच्छे से फ्राई होगा, लाल हो गया होगा, उसके बाद आप ये सारे मिक्स्ड वेजेस उसमें डाल दीजिए। डाल दिए बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई करके रखा था गोल्डन ब्राउन, उसे भी चूर कर अच्छे से हाथों की मदद से या ग्राइंडर की हेल्प से चूर के डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर साइड में चावल भी पक रहा है हमारा। देखिए, चावल तो नॉर्मली जैसे हम रोज़ खाते हैं वैसे ही पकाइए, बस उसको अच्छे से निथार लीजिए, निथारे बाद दम मत दीजिए उसे, तो हम आखिरी में दम पर रखते हैं ना, वो मत दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा, अब हम निथार लेंगे। निथार के देखिए, मैं यहाँ पर निथार ली हूँ, साइड में रख ली हूँ चावल। अब यहाँ पर कलर में मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं था मेरे पास अवेलेबल वो टाइम, तो मैं ऐड नहीं कर पाई। तो देखिए, यहाँ पर नीचे मैंने खाना थोड़ा सा बचा हुआ रख लिया है, दम नहीं दिया है मैंने, खाना निथार लिया था, बचा हुआ खाना साइड में रख लिया है, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है मैंने उसमें, जो बचा हुआ था अनियन का ऑयल फ्राई, वो बचा हुआ ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। अब ऑयल ऐड करे बाद आप जो मिक्स्ड वेजेस पका के आप 8 से 10 मिनट जो आप वेजेस पकाए थे, वो वेजेस ऐड कर दो आप बस उसमें। वो वेजेस ऐड कर दिए बाद देखिए, इसमें जो अभी बचा हुआ सा चावल जो हमने निकाल के रखा था, उसके ऊपर से जैसे बिरयानी का प्रोसेस होता है ना, वही प्रोसेस वेज राइस जो भी है, वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सबका प्रोसेस तो एक ही रहता है, बस ऊपर से ऐड कर दीजिए ये मिला हुआ रंग उसमें मिला दीजिए अच्छे से। देखिए, मिल गया है रंग। उसके बाद हम अनियन का जो बचा हुआ ऑयल थोड़ा था, मैं वो थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती हूँ, जब अनियन फ्राई करती हूँ ऑयल ज़्यादा डालती हूँ मैं वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर अब हम सब ऑयल डाल देंगे, सब डाल देंगे, डाल के ऐसे दम पे एक 5 से 8 मिनट रख देंगे, ऐसे
रख दिए बाद देखिए हमारा यहाँ पर खाना अच्छे से वेज हरी बूट की वेज राइस बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मस्त बिरयानी बनकर रेडी हुई है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिए मेरी ये रेसिपी को। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं, देखिए आगे तक देखिए मेरी रेसिपी। मैं जो भी बनाती हूँ वह दिल से बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को भी आगे मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।